हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ कैमरे को फेस करते हुए कम से कम 13 दिनों बाद, 13 से 14 दिन हो चुके हैं, 15 दिन ही मान लो वीडियो अपलोड किए हुए, तो क्योंकि मेरी हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब। और अब 2 दिन से ठीक हूँ, तो मैं कहा चलो यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों से बात की है, आप लोगों से रूबरू हुए, और ब्लॉगिंग तो अपना पैशन है, तो ये किए हुए ऐसा लग रहा था कि कितना अधूरा अधूरा सा फील हो रहा था। और अभी और सुबह से अभी दोपहर बज रहे हैं, दोपहर का बज रहा है 1:30 बजे का टाइम है। थोड़ा 4-5 दिन तक खाना तो मैंने नीचे बैठ के बनाया है, चूल्हे को मैंने नीचे रखवा दिया था इनसे, और नीचे बैठ के बना रही थी, लेकिन अभी कल रात से मैंने चूल्हे को ऊपर रख दिया था, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ऊपर रखवा दिया चूल्हा और चलते हैं। रात को मैंने बनाया था जो खाना, बिरयानी बनाई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद टेस्ट आया था और कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं। तो वो बिरयानी थोड़ी सी रखी हुई है और मैं थोड़े से अभी कुछ और बनाऊंगी। दोबारा कर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम सो गए थे दोपहर के टाइम में थोड़ा सा देर, और पता नहीं चला एकदम शाम को आंधी वांधी भी आ गई थी, मेरी आंखें पता नहीं यार स्वेलिंग से लग रही है, सामने नहीं आ रहा क्यों। और मैंने कहा था मैं शाम के टाइम मैंगो शेक बनाऊंगी, मैं बना ही नहीं पाई, सोती रहेगी। और पति देव जी आई थिंक बना रहे हैं मैंगो शेक, चलते देखते हैं क्या कैसे बना रहे हैं। आवाज आ रही है बड़े खुश हो गए थे, मैंगो शेक बन रहा है, चीकू शेक बना रहे हैं, मुझे नहीं पीना चीकू शेक, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पीना शेक। बीमार लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, मैं नहीं पीऊंगी। अरे पी के तो देखो, थोड़ा सा बनाना शेक है, मुझे नहीं पीना, मैं मैंगो शेक बना। अरे सही है भाई, मैं चीकू से मुझे नहीं पीना ना, मैं नहीं पीती यार। जब बनाया था अच्छा यार, किसी किसने पिया चीकू शेक बताना, अच्छा लगा। अभी भी ट्राई नहीं करती, नई नई चीजें बनाता हूँ मैं, कभी ट्राई नहीं करती। मैडम तबीयत है खराब और उनके लिए बनाया जा रहा है मैंगो शेक, बन गया ऑलमोस्ट, बस अब प्रेजेंटेशन रह गई, बाकी दिखाता हूँ आपको बनने के बाद। तो ये हो गए बन के तैयार हमारे मैंगो शेक। और बताना कमेंट में यार कौन कौन बनाता है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना। ये लो बन के हो गए तैयार, और अब हम जा रहे हैं मैडम को मैंगो शेक देने, क्योंकि डॉक्टर ने चाय वाय के लिए मना करा है, तो वह मैंगो शेक ही पिलाएंगे। टन 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 टन, ओह माय गॉड, ओहो आपने एक काम में चार ग्लास शेक बना, एक काम में चार ग्लास शेक कैसे, मतलब एप्रिशिएट करने से तो गई। अरे नहीं मतलब वही देख रही हूँ ना, ये एप्रिशिएशन ये तो क्या है, मतलब एक काम में आपने चार ग्लास शेक बना दिए, क्वार्टर ग्लास है, ज्यादा बड़े नहीं है भाई, मतलब ये 5-5 वाले गिलास है, 10 वाले गिलास, मतलब इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके लाए हो, बटे चम्मच तो नहीं। अच्छा विद चम्मच, मेरा वाला मैंने किसी में ज्यादा डाला, आपके तो आप अकड़ बक्कड़ करके कोई से भी ले सकती है, अकड़ बक्कड़ नहीं लूंगी मैं, किसी में किसमें कम डाला है कोई नहीं, सब में कम ही है। कू स्पून लेकर के आओ, कू का कू की कू की लाट पकड़ने को स्टार्ट है एकदम। कहाँ है ये? हाँ कौन सा ले, जाओ स्कूल लेके आओ, खुश आ भाई ले लो भाई, चलो मैंगो से मतलब विद चम्मच खाओगे, ऐसे नहीं पी सकती हूँ। चलो तारीफ तो करिए, तारीफ सबसे बीमार हुई है ना, बहुत कुछ बनाना सीख गया हूँ मैं। अरे अरे ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते, इतना सारा नहीं खाते, पहले मिस करते हैं, पूरा ड्राई फ्रूट खा गई ऊपर का सारा ड्राई फ्रूट खा गई। आप
कैसा बच्चों? अच्छा है। मम्मी तो सब बना देती, पापा बना के देते तो वो बातें अलग होती है ना, है ना कू? पापा ने बनाया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो आपने एक देखा भी क्लिप जो स्टार्टिंग के वो कल का ब्लॉग था, और आज दोपहर का टाइम हो चुका है और मैंने वही सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। यार थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है शेड्यूल में आने में, और मैंने कल कहा था आपको से बताऊंगी मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट मैंने नहीं बताया। मैं कहा जो हो चुका है उसके लिए क्या बार बार एक ही चीज़ को होगा ना। बस हमें बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, बट अब ठीक हूँ मैं। और थोड़ा बहुत ट्रैक पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी दोपहर टाइम हो रहा है और मैंने बनाया है आलू बहन की सब्जी लंच में, और चक्कर क्या है ना, और भी देख सकते हो आप ही ना, मेरा वॉशिंग मशीन हो गया है ख़राब, तो सारा खुला पड़ा है। देख लिया आया था सही करने के लिए, वो मोटर ख़राब हो गई उसको, तो मोटर लेकर गए हुए हैं, शाम को आएंगे दोबारा से मोटर ठीक करेंगे। तो इस चक्कर में ब्लॉग भी नहीं कर पाई क्योंकि वो 2-2.5 घंटे इसमें लगे रहे थे, और फिर उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट करा है। और चलिए तो फटाफट किचन में, क्योंकि सब्जी तो बना चुकी हूँ मैं, बस चपाती बनानी है और थोड़े से राइस भी बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी के साथ। मुझे राइस बहुत पसंद है, उसको ही बहुत पसंद है, साथ में दही हो। तो सब्जी बन चुकी है, बस राइस और रोटी बनानी है। बच्चे नहा रहे हैं, पापा नहला रहे हैं, और हमारे यहाँ यहाँ पे दिल्ली में लग चुका है लॉकडाउन जो कि है 1 वीक का फिर से। और देखो मेरे अपर लिप्स वगैरह कितनी आ रही, बीमार पड़ी थी या तो कुछ भी नहीं करा है, बहुत ज़्यादा अपर लिप्स हो रही हैं। मैं कुछ करूँगी आज, और बहुत अच्छा फील हो रहा था, बस ख़राब थी तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा था यार। गुड इवनिंग, और अभी हो चुकी है शाम की चाय के टाइम, और चाय हमारी बन चुकी है। चाय लेके मैं आ चुका हूँ इनके लिए बना के। बनाया मैंने और उठा के लाया किचन में से। कह रहे बीमार थे ना, जितनी सेवा करते उतनी बहुत है ना। अगर तुमने करा है वो भी तो बोला है भाई, हाँ बंदे ने करा है, पूरी की पूरी केयर करी है इन्होंने। चाय को देख के मुझे चाय का जो मतलब इच्छा नहीं कहेंगे ऐसे, उन्होंने क्या कहे खेल के आया ये। तो चाय से पता नहीं क्यों नफरत सी हो गई थी, चाय की स्मेल चढ़ रही थी मेरे दिमाग पे जब बीमार थी 15-20 दिन तक। चाय बिल्कुल अजीब सा टेस्ट आ रहा था, चाय से नफरत सी हो गई थी, बट अब ठीक है। चलिए चाय पीते हैं। हमारी चाय हो चुकी है कंप्लीट, हमारी चाय पी ली हम लोगों ने। और कल भी मैंने कुछ नहीं बताया बात थी इस बारे में, क्या बात करना, बीमार थी तो हर थी, बट हाँ सपोर्ट बहुत मिला है मुझे बीमारी में। मैं बीमार थी, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। किसकी? मेरी, एक अच्छा। पेशेंट की। और मतलब बर्तन झाड़ू जो काम मैंने कभी करते नहीं देखा वो काम भी देख लिया मैंने करते हुए। खाना तो बनाना आ गया इनको, दाल चावल दाल चावल भिंडी, हाँ भिंडी, और बेचारे ने एक बार रोटी भी बनाई थी, और ये चावल नहीं खाते। सबसे गलत चीज जो थी लगी मुझे कि बेचारे ने अपनी रोटी बनाई, रोटी ऐसी बनी कैसी, मोटे मोटी और पापड़ जैसी। तो फिर मैंने एक सोल्यूशन निकाला, मैं चूल्हा नीचे रख दो बस मैं रोटी बेल दूंगी, सेक आप लेना। फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने इतने दिन निकाले हैं, ऐसा लग रहा था तबीयत सही नहीं हो रही है। आप लोगों से एक ही उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की कि बच्चों को स्पेशली दूर रखो, और जितना हो सकता है ना उतना एहतियात बरतिए प्लीज़। दूध की थैली सबके घरों में आती है मॉर्निंग में, उसको वॉश करके यूज कीजिए, सब्जियों को वॉश करके यूज कीजिए। और जब पॉलीथीन से आप लोग बाहर से लेकर के आ रहे हो ना, उसको एक जगह कहीं साइड में रखिए, घर के अंदर नहीं, बच्चों के पहुंच से बिल्कुल दूर। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं आप लोग उस चीज को पीजिए, खाइए, काढ़ा चाय जो भी चीजें हो सकती है वो लीजिए, और साथ में कोई ना कोई साबुत मसाला हो गया उसको चाय में जरूर ऐड कीजिए। और कोरोना अब तो देखो हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ऐसा नहीं है कि अब हम उस चीज़ को कौवा बना के जिए, तो बस इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, थोड़ा प्रिकॉशंस को लेकर चलिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। और लॉकडाउन है, घर में सब एक साथ है, ये भी एक अच्छा पल लगता है कि चलो सब साथ है, जो साथ रह भी नहीं पा रहे थे वो भी साथ हैं। तो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में आपको जितने भी हो सकता है मैं ब्लॉग्स देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बाहर का तो ब्लॉग्स तौबा तौबा है, अभी तो बाहर जाना तो अभी घर के ही ब्लॉग्स मिलेंगे आपको। चलिए कई दिनों बाद आपको ही वाला ब्लॉग मिलेगा। इन थोड़ा सा ऐसी बोरिंग सा ब्लॉग था, बट क्या करूं, धीरे धीरे शेड्यूल में आने में टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं। बुखार जो है ना एकदम शरीर तो तोड़ते तोड़ता है, मन में भी खलल सी मची रहती है, क्या बोलूं क्या कहूं। अब 15 डेज तो कभी गैप ही नहीं करा है मैंने चैनल पे अपने, कोई नहीं
सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो ही चुका है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक नॉर्मल हो जाएगा। तो जो भी आदमी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं बट फिर भी मैंने अपडेट देने के लिए एक वीडियो आज बनाया है और ये वीडियो अभी आ ही जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहें।